बॉलीवुड इंडस्ट्री की वेटरन एक्ट्रेस हेमा मालिनी 75 साल की हो गई। हेमा मालिनी के 75वें जन्मदिन का आयोजन किया गया पार्टी के साथ, जिसमें बी टाउन के तमाम स्टार शामिल हुए थे। हेमा मालिनी की बर्थडे पार्टी में सलमान खान, जया बच्चन, रेखा, रानी मुखर्जी, जैकी श्रॉफ, आयुष्मान खुराना सहित बॉलीवुड के सितारों ने शिरकत की। हेमा मालिनी ने अपने परिवार और पति धर्मेंद्र के साथ केक काटा और इस दौरान जिस बात ने सबका ध्यान खींचा वो बात थी सनी देओल और बॉबी देओल का पार्टी में मौजूद ना होना। हाल ही में हेमा मालिनी ने दावा किया था कि उनके और सौतेले बेटे सनी देओल के बीच में सब कुछ ठीक है और एक दूसरे के साथ रिश्ते भी अच्छे हैं। इसके बाद भी सनी देओल पार्टी में मौजूद नहीं थे। एक सोर्स ने खुलासा किया, सनी देओल को निश्चित तौर पर निमंत्रण भेजा गया था लेकिन वो अपने काम के चलते नहीं आ सके। हेमा और सनी के बीच सब कुछ ठीक है। इसके बाद तो हेमा मालिनी और सनी देओल के रिश्ते पर भी सवाल नहीं उठेगा। सनी देओल ने हेमा मालिनी के 75वें जन्मदिन पर फूलों का गुलदस्ता भी भेजा और उनका निमंत्रण भी स्वीकार किया, लेकिन काम के कारणवश वो जन्मदिन की पार्टी में शामिल नहीं हो सके। इंडस्ट्री की बड़ी अदाकारा हेमा मालिनी के बर्थडे पार्टी के वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसके बाद लोगों ने अटकलें लगाना शुरू कर दिया है कि हेमा मालिनी और सनी देओल के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए सनी देओल पार्टी का निमंत्रण नहीं भेजा गया और सनी देओल ने अपने बेटे करण देओल की शादी में भी हेमा और उनकी बेटियों को नहीं बुलाया था, इसलिए उन्हें बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाया गया। हेमा मालिनी जी की बर्थडे पार्टी में सनी देओल और बॉबी देओल के ना आने पर आपकी क्या राय है, हमें साझा कीजिए कमेंट सेशन के माध्यम से। और इसी तरह से हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।